बीके सिंह जी को यहां से चुनाव के मैदान में उतारा। मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बीके सिंह जी को भी आपने दो दो बार सांसद बनाकर भारत की संसद में भेजा। लेकिन एक पार्टी का दस्तूर है, समय समय पर पार्टी फैसले जहां आवश्यक होता है प्रत्याशियों के संबंध में बदलती रहती है। यह किसी भी राजनीतिक पार्टी में होता है। आज कोई प्रत्याशी है, यह आवश्यक नहीं है कि वह कल प्रत्याशी रहेगा। लेकिन यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कि बहनों भाइयों, हम जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो मुंहतोड़ जवाब उसका देने की कुवत यदि किसी के अंदर है तो हमारे सेना के जवान जो सीमाओं पर तैनात हैं उनके अंदर है। यह करिश्माई काम, पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से टैंक, तोप, गोले, मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे, आयात करते थे। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया है। अभी एक दिन पहले ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, 2014 के पहले जहां केवल 800-900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था हथियारों का, दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजते थे, आज हमारी यह हैसियत बन गई है कि हम तोप भी भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारतीयों के हाथों से बना रहे हैं, गोले भी बना रहे हैं भारत की धरती पर भारतीयों के हाथों बना रहे हैं, मिसाइल भी बना रहे हैं भारत की धरती पर बना रहे हैं और भारतीयों के हाथों से यह मिसाइल बनाने का काम कर रहे हैं। पार्टी ने बीके सिंह जी को यहां से चुनाव के मैदान में उतारा। मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बीके सिंह जी को भी आपने दो दो बार सांसद बनाकर भारत की संसद में भेजा। और मैं लेकिन एक पार्टी का दस्तूर है, समय समय पर पार्टी फैसले जहां आवश्यक होता है प्रत्याशियों के संबंध में बदलती रहती है। यह किसी भी राजनीतिक पार्टी में होता है। आज कोई प्रत्याशी है, यह आवश्यक नहीं है कि वह कल प्रत्याशी रहेगा, कल दूसरा भी प्रत्याशी आता है, अन्य लोगों को भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी ने फैसला किया कि गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी को चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए तो श्री अतुल गर्ग को ही चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए। बहनों भाइयों, आप लोग जो अच्छी तरह अतुल गर्ग से परिचित होंगे जानते होंगे, प्रखर मेधा के धनी है। अतुल गर्ग के अंदर अद्भुत काल्पनिक क्षमता है, कुछ कर गुजरने की उनके अंदर तर्पण है।